नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फ्लेवर्स बाय सुषमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल डिश, अंडे की भुर्जी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अंडे और 1 मीडियम प्याज टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है, 1 मीडियम प्याज को भी छोटा छोटा काट लिया है, थोड़ी अदरक हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन ये भी महीन काट लिए हैं। सबसे पहले हम अंडों को तोड़कर बीट कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्लफी होने तक थोड़ा बीट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से बीट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ये 1/4 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं इसमें, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पैन गरम हो गया है, 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं बटर। बटर में बहुत बढ़िया बनती है एग भुर्जी। सबसे पहले डाल देंगे ये लहसुन और अदरक, इनको पहले हल्का सा सौटे कर लेंगे। कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और ये कटे हुए प्याज उनको भी हल्का भून लेंगे, बिल्कुल लाल नहीं करना है। यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसका कच्चापन खत्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर और ये 1/4 चम्मच नमक और, जो टमाटर को भी गला देगा और प्याज और इसकी सब्जी टेस्ट में अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, 2 चुटकी ये हल्दी डाल रहे हैं हल्का सा कलर अच्छा करने के लिए, 1/2 छोटी चम्मच मिर्च पिसी हुई मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच पिसा हुआ धनिया, चुटकी भर जीरा पाउडर और ये 2 चुटकी गरम मसाला, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से गल गया है और ये बहुत बढ़िया से प्याज भी अच्छे से गल गए हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे ये जो अंडे मैंने रखे हैं बीट करके, मीडियम हीट पर इसको पकाएंगे। ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है, फटाफट बन जाती है। इसको भी आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ, चपाती के साथ, सबके साथ अच्छी लगती है। इसको आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा, इसको आपको कितना सुखाना है ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ी गीली पसंद है तो आप यहीं पर बंद कर दें, और हल्की सी अगर आपको ड्राई पसंद है तो थोड़ा सा इसको और चला देंगे तो ये ड्राई हो जाएगी। और यहीं पर हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, हरे धनिया से बहुत बढ़िया हो जाता है इसका टेस्ट, मेरे घर में सबको पसंद है ड्राई, तो मैं थोड़ा सा इसको और ड्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए झटपट तैयार होने वाली एग भुर्जी तैयार हो गई है। जब बहुत ज़्यादा काम करने का मन ना हो तो झटपट बनाइए और इसको इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए तैयार हो गई हमारी टेस्टी और झटपट बनने वाली एग भुर्जी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो उसको कमेंट करके बताएं कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आऊंगी कोई नई डिश लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।